नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट। ये प्रीव्यू है WBBL के 6 गेम का जो खेला जाएगा सिडनी थंडर और सिडनी सिक्सर्स के बीच में। ये गेम होगा नॉर्थ सिडनी ओवल में। बात करें थंडर की तो लास्ट सीजन चाहेंगे भुला सके क्योंकि वो बॉटम ऑफ द टेबल में फिनिश किए थे, केवल एक ही गेम जीत पाए थे पूरे सीजन में। बट इस साल अगर बात करें तो काफी अच्छे प्लेयर्स उन्होंने ओवरसीज से लिए हैं अपनी टीम में, तो इस बार ही ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली प्लेऑफ के कंटेंडर बन जाते हैं और इस बार ही उन्हें लीड करेंगी हैदर नाइट। वहीं सिक्सर्स की बात करें तो पहला गेम अनलकी था उनके लिए, हार कर आ रही है, केवल 2 रन से हार गई थी, काफी क्लोज मार्जिन से हारी। बट इस गेम में पम्प्ड अप होंगी क्योंकि जो उनकी रेगुलर स्किपर है एलिस पेरी इस गेम में खेलते हुए दिखेंगी। पहला गेम नहीं खेल पाई थी क्योंकि वो 1 गेम सस्पेंशन पर थी। हेड टू हेड की बात करें तो सिक्सर्स लीड कर रही है बाय 9-6। चलते हैं दोस्तों स्क्वाड की तरफ, तो पहले देखते हैं सिडनी थंडर का स्क्वाड। यहाँ पे आपको मोस्टली खेलते हुए दिखनी चाहिए फीबी लिचफील्ड, चमारी अट्टापट्टू, हेदर नाइट, लॉरेन बेल, ताले विल्सन, सैमी जो जॉनसन, अनिका लेरॉयड, सस्किया होल्डी, हैना डार्लिंगटन, लॉरेन स्मिथ और सैम बेट्स। इनके मैं इन्स की आउट करूं तो हेदर नाइट, मारिजान गैप, लॉरेन बेल, चमारी अट्टापट्टू जैसे प्लेयर्स को लिया है थंडर ने अपने स्क्वाड में इस साल। मारिजान गैप इस गेम में नहीं खेलते हुए दिखेंगी। ऑल्दो आउट्स की बात की जाए तो क्लोई ट्रायन सिक्सर्स में चली गई है, एमी जोन्स चली गई है स्कॉचर्स में और टैमी ब्यूमॉन्ट चली गई है रेनेगेड्स में। सिडनी सिक्सर्स के प्लेइंग 11 की बात करूं तो खेलते हुए दिखनी चाहिए एलिसा हेली, सुजी बेट्स, एलिस पेरी, एशली गार्डनर, एरिन बर्न्स, क्लोई ट्रायन, मथिल्डा कार्मिकेल, मैटलिन ब्राउन, लिंसी स्मिथ, केट पीटरसन और लॉरेन कियाटल। इनके इन्स की बात की जाए तो क्लोई ट्रायन, लिंसी स्मिथ, जेस केयर आ गई हैं इनके स्क्वाड में और आउट्स में सोफी एकल्स्टन क्योंकि इंजरी से रूल्ड आउट थी तो वो नहीं खेलते हुए दिखेंगे। चलते हैं दोस्तों वेन्यू एनालिसिस पे। तो ये गेम खेला जाएगा नॉर्थ सिडनी ओवल सिडनी में, जहां पे एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर देखा गया है पिछले 5 गेम्स में 158 रन का। टीम बैटिंग सेकंड जीती है 3 गेम्स पिछले 4 गेम्स में से, तो टीम बैटिंग सेकंड का डोमिनेशन रहा है। हमने फर्स्ट गेम में देखा था कि बेल्टर ऑफ अ विकेट थी, बैटिंग पिच ही रहेगी, बैटर्स को मदद मिलनी चाहिए। सेम ग्राउंड है जहां पे वेस्ट इंडीज ने हाल ही में 200 भी चेस किया था। इसके अलावा आप लोग हमारा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा। जो एग्जैक्ट पिच रिपोर्ट और कंडीशन है हम टॉस के बाद वहां बताते हैं एंड इसके साथ साथ हम ऐसे काफी इनसाइट्स और जीएल पिक्स भी देते हैं जो हमारे यूजर्स के काफी काम आती हैं। चलते हैं दोस्तों रिकॉर्ड्स इन T20s की तरफ, इस साल कैसे रहे। तो पहले बात करते हैं सिडनी सिक्सर्स के बैटर्स की। तो सुजी बेट्स ने सबसे ज्यादा रन बनाए, 33 इनिंग्स में बना चुकी है 956 रन 31 की एवरेज से, लगा चुकी है 6 बारी हाफ सेंचुरी। अलिसा हीली ने बनाया है 646 रन 22 इनिंग्स में। एलिस पेरी बना चुके हैं 613 रन 44 की एवरेज से, बेस्ट एवरेज इन्हीं का है बैटर्स लिस्ट में। सिडनी सिक्सर्स की तरफ से एशली गार्डनर ने 32 की एवरेज से बनाया 537 रन। क्लोई ट्रायन बना चुके हैं 447 रन 28 इनिंग्स में। सिक्सर्स के बॉलर्स की बात की जाए तो सबसे ज्यादा विकेट्स एशली गार्डनर ने निकाली हैं, 31 विकेट्स निकाल चुके हैं 24 इनिंग्स में, स्ट्राइक रेट है केवल 15 का। लिंसी स्मिथ ने निकाली है 24 विकेट्स 22 इनिंग्स में, क्लोई ट्रायन 23 विकेट्स निकाल चुकी हैं, एरिन बर्न्स ने निकाली हैं 18 विकेट्स, जेस केयर 15 विकेट्स निकाल चुकी हैं, एलिस पेरी ने निकाली हैं 11 विकेट्स। चलते हैं सिडनी थंडर की तरफ, तो इनके बैटर्स में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं इस साल चमारी अट्टापट्टू ने, 970 रन बना चुकी हैं 39 की एवरेज से, एक सेंचुरी लगा चुकी हैं, 5 बारी हाफ सेंचुरी लगा चुकी हैं। मारिजान कैप ने बनाया 537 रन 26 की एवरेज से 28 इनिंग में। फीबी लिचफील्ड 536 रन बना चुकी हैं 36 की एवरेज से। हेदर नाइट ने बनाया 529 रन। बात करें इनके बॉलर्स की तो मारिजान कैप ने सबसे ज्यादा विकेट्स निकाली हैं, 41 विकेट्स निकाल चुकी हैं, लॉरेन बेल ने 25 विकेट्स निकाली हैं 18 इनिंग्स में, स्ट्राइक रेट है केवल 16 का। चमारी अट्टापट्टू ने 22 विकेट्स निकाली हैं 22 इनिंग्स में। अब दोस्तों बेस टीम में जाने से पहले फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि आप लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कैसी रहनी चाहिए। हमने इस पर एक वीडियो भी बनाई है जो आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। तो जैसे कि हम आपको बताते आए हैं 100% मैचेस जीतना कहीं भी पॉसिबल नहीं होता है एंड हम रेकमेंड करते हैं कि आप एक लीग पकड़ के चलो, जो भी लीग आपको पसंद है, और उसके सारे मैचेस खेलो व्यू स्पोर्ट की एल्गो टीम से। एंड इस टीम से आपको सिर्फ स्मॉल लीग्स ही खेलनी है, माने 3, 4, 5 या 10 मेंबर कॉन्टेस्ट ही खेलने हैं। आप एक लीग पकड़ के चलो, उसके सारे मैचेस खेलो एंड उसमें आप एम रखो कि आप 4-5 मैचेस जीतोगे। अगर आप 10 मैच खेलते हो तो बेसिकली आप 40-50% मैचेस जीतने का एम रखो एंड आप डेफिनेटली प्रॉफिटेबल रहोगे। रैंडम मैचेस आपको नहीं खेलने हैं कि किसी दिन आपने विमेंस गेम खेल लिया, किसी दिन आपने वर्ल्ड कप खेल लिया, किसी दिन आपने कोई एमिरेट्स T20 खेल लिया। आपको एक लीग के सारे गेम्स खेलने हैं एंड आप तभी असेस कर पाओगे कि व्यू स्पोर्ट की एल्गो टीम्स कैसी चलती हैं आप लोगों के लिए। अब चलते हैं दोस्तों बेस टीम की तरफ, तो यहाँ पे विकेट कीपिंग सेक्शन में रहेंगी सिडनी सिक्सर्स की ओपनर एलिसा हेली। ऑल टाइम लीडिंग रन गेटर है इस वेन्यू पे, 893 रन बना चुकी हैं ऑलमोस्ट 31 की एवरेज से। अगर बात की जाए इनके मैचअप्स की तो 33 की एवरेज से रन बनाए थंडर बोलर्स के अगेंस्ट। सैम बेट्स ने इन्हें जरूर परेशान किया है, 4 बारी आउट कर चुकी हैं।
इसके अलावा केवल 14 रन पीछे हैं टू बिकम द फिफ्थ बैटर जो WBBL में 3000 रन अपने पूरे कर लेंगी। बैटर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे हम पहली पिक लेकर जाएंगे सिडनी सिक्सर्स की कैप्टन एलिस पेरी को, जो कि नंबर 3 पे बैटिंग करते हुए दिखनी चाहिए। कंसिस्टेंटली अमंग द रन्स रही है पिछले 8 हेड टू हेड आउटिंग्स अगर मैं देखूं तो 61 की एवरेज से 363 रन बनाए हैं इन्होंने। एंड लास्ट दो टाइम जब इस वेन्यू पे खेली थी इसी साल हाफ सेंचुरी बनाकर आ रही है। ओवरऑल रिकॉर्ड भी फिनोमिनल है, 24 इनिंग्स में 886 रन बना चुकी है 52 की एवरेज से। एंड थंडर बोलर्स के अगेंस्ट खेलना भी काफी पसंद है, 61 की एवरेज से रन बनाए हैं उनके अगेंस्ट। तीसरी जो पिक होगी वो होगी सिडनी सिक्सर्स से ही क्लोई ट्रायन। पिछले मैच में बैटिंग से कुछ कर नहीं पाई बट बॉलिंग से डिसेंट था, 3 ओवर डाले थे और 1 विकेट भी निकाली थी। एंड लास्ट ईयर ये थंडर को रिप्रेजेंट कर रही थी, उनकी वीकनेसेस से भी अवेयर होंगी एंड ईगर होंगी कि एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सके अपनी फॉर्मर साइड के अगेंस्ट। नेक्स्ट पिक जो हम लेकर जाएंगे बैटर सेक्शन में बेस टीम में वो होगी सिडनी थंडर की लेफ्ट हैंडेड बैटर, उनकी ओपनर फीबी लिचफील्ड को। पिछले 11 आउटिंग्स में 41 की एवरेज से 367 रन बनाकर आ रही हैं। जॉइंट फास्टेस्ट T20 इंटरनेशनल 50 भी इन्होंने लास्ट आउटिंग में इसी वेन्यू पे बनाया था, जो कि लास्ट महीने ही आया था वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। एंड थंडर के लिए लीडिंग रन गेटर थी लास्ट सीजन भी, 280 रन बनाकर आ रही है। जो लास्ट पिक रहेगी बैटर सेक्शन में बेस टीम में वो हम लेके जाएंगे सिडनी थंडर से हैदर नाइट को। टेरिफिक ओवरऑल रिकॉर्ड है कॉम्पिटिशन में, 70 इनिंग्स खेल चुकी है, ऑलमोस्ट 1800 रन बना चुकी हैं और 49 विकेट्स भी निकाल चुकी हैं। लास्ट टाइम जब WBBL में खेली थी तो सीजन में 446 रन बनाए थे 41 की एवरेज से एंड 10 विकेट्स भी निकाली थी। इनके मैचअप की बात की जाए तो सिडनी सिक्सर्स के अगेंस्ट ये 39 की एवरेज से रन बना चुकी हैं। तो दोस्तों बैटर सेक्शन हमारा बेस टीम में ही फुल हो जाता है। इसके अलावा सूजी बेट्स भी एक ऑप्शन है बैटिंग सेक्शन में, बट हमने यहाँ पे फीबी लिचफील्ड को चूज किया है बिकॉज जैसी उनकी फॉर्म चल रही है उन्हें ड्रॉप करना काफी रिस्की हो जाएगा। एंड क्लोई ट्रायन आपको एक ऑलराउंडर वैल्यू प्रोवाइड करती है, बैटिंग से भी कॉन्ट्रीब्यूट करेगी और बॉलिंग से भी कॉन्ट्रीब्यूट करेगी। इसके अलावा एलिस पेरी तो एवरग्रीन है, उन्हें भी हम मिस नहीं कर सकते। अगर आप किसी पर रिस्क ले सकते हैं आप तो हैदर नाइट की जगह पे आप सूजी बेट्स को ले सकते हैं। We will go with Heather Knight in our base team for now. चलते हैं अब ऑलराउंडर सेक्शन पे। तो यहाँ पे पहली नो ब्रेनर पिक रहेगी एशली गार्डनर, नंबर 4 पे बैटिंग करते हुए दिखेंगी। पिछले मैच में 2 विकेट्स निकाल कर आ रही हैं, 72 रन भी बनाकर आ रही हैं, बेहतरीन पॉइंट्स भी प्रोवाइड करें जिन जिनकी कैप्टन थी है लास्ट मैच में। प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस मिला है पिछले दोनों हेड टू हेड गेम्स में जो लास्ट सीजन में हुए थे। 2 इनिंग्स में उन्होंने 138 रन बनाए, 69 की एवरेज से 4 विकेट्स भी निकाली हैं। ये जो जॉनसन के अगेंस्ट जरूर स्ट्रगल करते हुए दिखती हैं, 3 बारी उनका विकेट वो निकाल चुकी हैं और एवरेज है केवल 14.6 का। बट इनके बॉलिंग मैचअप की बात की जाए तो उन्होंने फीबी लिचफील्ड को 2 बारी जरूर आउट किया है। अ ग्रेट कैप्टेंसी चॉइस, जिस भी गेम में एशली गार्डनर खेलती हैं सेफेस्ट कैप्टेंसी पिक रहती हैं। जो अगली हमारी बेस टीम में रहेगी वो रहेगी चमारी अट्टापट्टू। पिछले 4 आउटिंग्स में इस वेन्यू पे ऑलमोस्ट 50 की एवरेज से बनाकर आ रही हैं 201 रन, जो इंक्लूड करता है एक इंटरनेशनल T20 सेंचुरी भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। मैचअप की बात की जाए तो 43 की एवरेज से रन बनाए सिक्सर बोलर्स के अगेंस्ट। एंड इसके अलावा बस एक जो इनको थोड़ा सा ध्यान यहाँ रखना होगा कि इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड काफी पुअर है सिक्सर्स के अगेंस्ट, 3 बारी 0 पे आउट हो चुकी है 5 आउटिंग्स में से। जो लास्ट टॉपिक रहेगी ऑलराउंडर सेक्शन में बेस टीम में वो रहेगी सैमी जो जॉनसन, सिडनी थंडर की राइट आर्म मीडियम पेसर। सिंपली टू गुड रही है विद द बॉल इस वेन्यू पे, 15 विकेट्स निकाल चुकी हैं, एवरेज है केवल 18 का। एंड इसके अलावा पिछले 8 हेड टू हेड अपेयरेंसेज देखोगे तो केवल एक ऐसी इनिंग है जिसमें विकेट लेस गई हैं, 12 विकेट्स निकाल कर आ रही हैं। इनफैक्ट बैटिंग से भी कैम्यूज निभाना जानती हैं, 112 रन ऑलरेडी बना चुकी हैं, 5 बारी आउट हुई हैं। बट स्ट्राइक रेट काफी अच्छा है सिक्सर्स बोलर्स के अगेंस्ट, 142 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं इन्होंने। बॉलिंग सेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे हम सिडनी सिक्सर्स के डेथ बॉलर को लेकर चलेंगे, इनकी लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर लॉरेन कियाटल को। थोड़ी सी एक्सपेंसिव जरूर रही थी पिछले गेम में बट फिर भी मैनेज कर लिया था 2 विकेट्स निकालने में। एक्सेप्शनल हेड टू हेड रिकॉर्ड है, 5 इनिंग्स में 9 विकेट्स निकाल चुकी हैं, स्ट्राइक रेट है केवल 10 का। जो दूसरी होगी वो होगी सिडनी थंडर के लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर सैम बेट्स, सबसे ज्यादा विकेट्स निकाली हैं अक्रॉस बोथ हेड टू हेड गेम्स लास्ट सीजन, 5 विकेट्स निकाल कर आ रही हैं। पिछले 6 आउटिंग्स इस वेन्यू पे देखी जाए तो एक बार भी विकेटलेस नहीं गई हैं, 12 विकेट्स निकाल चुकी हैं केवल 6 इनिंग्स में। एंड मोस्टली आपको ये पावर प्ले में बॉलिंग करते हुए दिखेंगी एंड सिक्सर्स के ओपनर्स को ये 7 बारी कंबाइंड आउट कर चुकी हैं। एक ब्रिलियंट बॉलिंग पिक बच जाती है आप लोगों के लिए बेस टीम में। तो दोस्तों बेस टीम हमारी हो गई रेडी, जिसमें विकेट कीपर सेक्शन में एलिसा हेली रहेंगी, बैटिंग सेक्शन में एलिस पेरी, क्लोई ट्रायन, फीबी लिचफील्ड, हेदर नाइट, ऑलराउंडर सेक्शन में एशली गार्डनर, चमारी अट्टापट्टू, सैमी जो जॉनसन। याद रखिएगा मैरिजन कैप ये गेम नहीं खेलेंगी। बॉलिंग सेक्शन में अभी हमने रखा है लॉरेन कियाटल को और सैम बेट्स को।
अब चलिए सिनेरियो वाइज देखते हैं क्या बनेगी हमारी टीम। तो अगर थंडर पहले बैटिंग कर रही है तो हमारा, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारा विकेट कीपर सेक्शन, बैटिंग सेक्शन और ऑलराउंडर सेक्शन ऑलरेडी फुल है। इसमें आप सिर्फ अगर बेट्स को मौका देना चाहते हैं तो किसी बैटर की जगह बेट्स को मौका दे सकते हैं। बोलिंग सेक्शन में हमारे पास ऑलरेडी लॉरेन कियाटल है, सैम बेट्स है। थंडर जब पहले बैटिंग कर रही है तो हम सिडनी सिक्सर्स के लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर लिंसी स्मिथ को लेकर चलेंगे। इनका डेब्यू था सिक्सर्स के लिए, लास्ट गेम में इन्होंने 4 ओवर्स डाले और 1 विकेट भी निकाली। पिछले 12 आउटिंग्स ऐसे हो गए जिसमें एक बार भी विकेट लेस नहीं गई हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर जेस केर खेलती हुई दिखती है तो मोस्टली लिंसी स्मिथ की जगह ही खेलते हुए दिखेगी, जेस केर ऑटोमेटिकली आपकी टीम में आ जाएगी। तो ये हो गई हमारी टीम जब थंडर पहले बैटिंग कर रही है। विकेट कीपर सेक्शन में एलिसा हीली, बैटिंग सेक्शन में एलिस पेरी, क्लोई ट्रायवन, फीबी लिचफील्ड, हेदर नाइट। ऑलराउंडर सेक्शन में रहेगी एशली गार्डनर, चमारी अट्टापट्टू, सैमी जो जॉनसन। बोलिंग सेक्शन में लॉरेन कियाटल, सैम बेट्स और लिंसी स्मिथ। अगर थंडर पहले बोलिंग कर रही है तो यहाँ पे हम बोलिंग सेक्शन में लेकर जाएंगे हेना डार्लिंगटन को, इनकी राइट आर्म मीडियम पेसर। थंडर्स के लिए गो टू डेथ बॉलर हैं ये एंड हमेशा अमंग द विकेट्स रहती हैं। पिछले 4 हेड टू हेड गेम्स में 6 विकेट्स निकाल चुकी हैं। इसके अलावा पिछले 5 आउटिंग इस वेन्यू पे बात की जाए तो उसमें भी अमंग द विकेट्स रही हैं, 8 विकेट्स निकाल कर आ रही हैं। ब्रिलियंट ओवरऑल रिकॉर्ड है WBBL में, 45 इनिंग्स में 58 विकेट्स निकाल चुकी हैं। इनके अलावा जो बॉलिंग सेक्शन में हमारे पास यहाँ पे चॉइस रहती है वो है लॉरेन बेल की, बट वी वुड प्रेफर कि हम डार्लिंगटन और बेट्स के साथ जाए, वो बेटर बॉलिंग ऑप्शंस रहेंगी थंडर के लिए, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस भी है और नॉलेज भी है इस कंडीशंस में। लॉरेन बेल अगर खेलती हुई दिखती है तो उनका मोस्टली दिखनी चाहिए, तो वो उनका डेब्यू होगा WBBL का। आप लॉरेन बेल को भी ले सकते हो इन प्लेस ऑफ वन ऑफ द बॉलर्स। तो दोस्तों, हो गई हमारी टीम रेडी जब थंडर पहले बोलिंग कर रही है। विकेट कीपिंग सेक्शन में एलिसा हीली, बैटिंग सेक्शन में एलिस पेरी, क्लोई ट्रायवन, फीबी लिचफील्ड, हेदर नाइट। ऑलराउंडर सेक्शन में रहेगी एशली गार्डनर, चमारी अट्टापट्टू, सैमी जो जॉनसन। बोलिंग सेक्शन में लॉरेन कियाटल, सैम बेट्स और हैना डार्लिंगटन। कैप्टनसी चॉइसेस की बात कर लेते हैं, तो जैसे कि मैंने बताया, पहली सेफेस्ट पिक रहेगी आपके लिए एशली गार्डनर सिक्सर्स से, और सिक्सर्स की ही एलिस पेरी। डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक की बात करें तो हम यहाँ पे लेकर जाएंगे सिडनी थंडर की हेदर नाइट को, या फिर दूसरी पिक होगी फीबी लिचफील्ड, दोनों बैटर्स के साथ जाएंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का प्रीव्यू। प्रीव्यू देखने से पहले काफी यूजर्स के डाउट्स आते हैं कि हमें फैंटेसी 11 कैसे देखना है, वो नहीं मिल रहा है व्यू स्पोर्ट की ऐप पर, तो आप ये वीडियो फटाफट से देख लो। व्यू स्पोर्ट ऐप पर फैंटेसी 11 देखने के 2 तरीके। पहला, आप होम पेज पर मैचेस पर क्लिक कीजिए। अपकमिंग में जिस मैच का फैंटेसी 11 देखना है उस पर क्लिक कीजिए। लाइनअप आने के बाद आपको 2 ऑप्शंस दिखेंगे, व्यू प्लान्स, अनलॉक दिस मैच। अगर सिर्फ इस मैच का फैंटेसी 11 देखना है तो आप 10 वीक क्रेडिट यूज करके देख सकते हैं। ना सिर्फ फैंटेसी 11 बल्कि व्यू स्पोर्ट टिप्स भी मिलेगा आपको सेम 10 वीक क्रेडिट में। फैंटेसी प्रीव्यू वैसे भी फ्री है हर मैच के साथ। व्यू प्लान्स पर क्लिक करेंगे तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, विच कैन बी मंथली, ईयरली या फिर लाइफ। दूसरा तरीका, होम पेज पर डायरेक्टली फैंटेसी 11 पर क्लिक कीजिए। जिन मैचेस का लाइनअप आ गया है वो अपकमिंग में दिख जाएगा। जिस मैच का फैंटेसी 11 देखना है उस पर क्लिक कीजिए, आपको फिर से दिखेंगे 2 ऑप्शंस। आप 10 वीक क्रेडिट यूज करके फैंटेसी 11 देख सकते हैं। वैसे भी आपके फर्स्ट 5 टीम्स आर ऑन अस, कम एक्सप्लोर नाउ। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा कि व्यू स्पोर्ट की ऐप पर फैंटेसी 11 कैसे देखना है। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा और ऐप भी डाउनलोड करना मत भूलिएगा। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। थैंक यू सो मच।